स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 14, टू गेट द प्रोडक्ट 1, टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड multiply eight by 21। आगे ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है 8 by 21, सेकेंड ऑप्शन है -8 by 21, और सी ऑप्शन है 21 by 8, और डी ऑप्शन है हमारे पास -3 by 4। क्वेश्चन में लिखा कि 8 by 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो 8 by 21 को अगर 21 by 8 से मल्टीप्लाई करें तो कट करके हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, सी ऑप्शन आ जाएगी 21 by 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। The value of -3/5 multiply 4/7 multiply 15/16 multiply -14/9 is equal to, ये जो स्टेटमेंट दी है उसको सॉल्व करके इक्वल टू ऑप्शन दी हुई है 1/4, डी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1/8, डी ऑप्शन है 1/6। तो इसको सॉल्व करेंगे 3/5 माइनस का मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। सॉल्व करें 5 के टेबल पे 15 घटा 3 पे, 7 के टेबल पे 14 घटा 2 पे, 3 के टेबल पे 9 घटा 3 पे, 3 से 3 कट गया, 2 के टेबल पे 2 1 2 8 16, ऊपर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो रिजल्ट ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 8 बच गया। ऑप्शन में हमारे पास 1/8 है, सी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 है, द रेसिप्रोकल ऑफ 0। आगे ऑप्शन में है a 1 b 0, c p/q और d ऑप्शन है q/p। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रेशनल नंबर इन द p/q वेयर p एंड q आर इन लीडर एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो ये रेशनल की फॉर्म है p/q, जहां पे डिनोमिनेटर क्यू 0 नहीं आना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बन जाएगा, q/p, तो ऑप्शन डी आ जाएगी, तो यहाँ डी ऑप्शन में पटिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 मल्टीप्लाई -7/13 इज, आगे ऑप्शन में हमारे पास -104/21, बी ऑप्शन है 104/21
21, सी ऑप्शन में 21 अपॉन 104 और डी ऑप्शन में हमारे पास -21/104। तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहले इसको तो देखेंगे क्या बनता है। -3/8 × (-7/13। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 = 21 पॉजिटिव आ जाएगा और 13 × 8 = 104 और इसका रेसिप्रोकल 104/21 आता है। तो इसका रेसिप्रोकल 104/21 आता है जो कि ऑप्शन में हमारे पास बी में है, तो बी ऑप्शन के ऊपर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तीन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ आगे ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है आगे स्टेटमेंट -7/8 एंड 2/21। आगे क्वेश्चन मार्क है और नीचे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारे पास -1/12, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है -63/16 और डी ऑप्शन है हमारे पास -16/147। तो उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई 2/21, 2 के टेबल पे ये कटता है 2/8 और अब आगे 7 के टेबल पे ये पे कटता है। तो यहाँ पर ऊपर 1 बच गया और नीचे 12 आ गया, साथ ही ऊपर -1 लगेगा, ऊपर -1 है। तो आंसर हमारे पास 1/12 है फाइनल का, तो ऑप्शन ये आ गया। तो इस तरह हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चैनल को देखिए और क्वेश्चन समझिए, समझ के जो ऑप्शन है वो देखिए किसी ऑप्शन के ऊपर टिक होना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।